यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज धर्मशाला के सर्किट हाउस पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत वो क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों से उनके घरों में जाकर मुलाकात करेंगे। शाम को धर्मशाला से रवाना होकर नड्डा रात को करीब 10 बजे बिलासपुर अपने घर अमरपुर पहुंचेंगे और 16 जून को सुबह 10 बजे बिलासपुर से हमीरपुर के लिए रवाना होंगे। हमीरपुर में वो दोपहर के वक्त डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास समारोह में भी हिस्सा लेंगे। दोपहर बाद वो हमीरपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो हिमाचल के दौरे पर हैं जगत प्रकाश नड्डा। संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत ये दौरा किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की जाएगी। चाणक्य नीति से माना जा रहा है अमित शाह की, जो संपर्क फॉर समर्थन अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है। इसके तहत अलग अलग मंत्री जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मुलाकात कर रहे हैं। प्रसिद्ध लोग जो हैं, फेमस लोग जो हैं, उनके साथ मुलाकात की जा रही है और इसके जरिए कहीं ना कहीं समर्थन मांगा जा रहा है, संपर्क किया जा रहा है लोगों के साथ, समर्थन के लिए ये संपर्क किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनावों में उन्हें उनका समर्थन किया जाए और अपील लोगों से की जा रही है कि उनका समर्थन किया जाए और प्रसिद्ध लोगों से ये मुलाकात की जा रही है। इसी कड़ी में जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं हिमाचल में और हिमाचल का उनका दौरा है। प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की जाएगी और मुलाकात के साथ साथ लोगों से अपील की जाएगी कि उनका समर्थन किया जाए और 16 जून को हमीरपुर का दौरा उनकी ओर से किया जाएगा। 2 दिनों का ये दौरा है। हिमाचल के दौरे पर है जगत प्रकाश नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत ये दौरा करने जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की जाएगी और मुलाकात के बाद समर्थन भी मांगा जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज धीमान हमारे संवाददाता धर्मशाला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, दौरे पर आ रहे हैं जेपी नड्डा हिमाचल के, क्या कुछ खास रहेगा? जी सीनम, देखिए आज जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो धर्मशाला दौरे पर हैं और आज वो संपर्क और समर्थन के भी जो है वो कार्यक्रम को जो है वो उस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, जिसके बीच चलते हुए वो प्रबुद्ध लोगों से वो मुलाकात करेंगे, साथ ही धर्मशाला की जनता से भी मुलाकात करेंगे और जो केंद्र सरकार की नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं उनके बारे में जो है वो विचार विमर्श भी उन प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ किया जाएगा। हालांकि ये 2 दिन का ये कार्यक्रम है, पहले सबसे पहले ये धर्मशाला पहुंचेंगे, उसके बाद जो है वो हमीरपुर में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आज जो है वो आज धर्मशाला की जनता से जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो रूबरू होंगे और अपनी केंद्र की जो योजनाएं और नीतियां उनको उनके समर्थन सामने जो है वो रखा जाएगा। मनोज, इस दौरे के दौरान कौन कौन लोग उनके साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि हिमाचल का दौरा है तो तमाम लोग भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं? जी फिल्म देखिए, यहाँ जो है स्थानीय विधायक और खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर यहाँ पर मौजूद रहेंगे, साथ ही भाजपा के कई आला नेता जो है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, साथ ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और प्रबुद्ध लोगों से मिलने की बात की जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या यहाँ के जो मंत्री हैं वो क्या किस तरह के प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ उनकी मुलाकात कराते हैं, क्या कोई मेजर रिटायर्ड जनरल है? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है किस तरीके के प्रबुद्ध कौन कौन रहेंगे, वो प्रसिद्ध व्यक्ति जिनके साथ मुलाकात होगी, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जी, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किस के कैसे व्यक्तियों के साथ इनकी मुलाकात करवाई जाएगी या कैसे जो प्रबुद्ध व्यक्ति बताए जा रहे हैं वो कौन कौन है और किस तरह से उनके साथ मुलाकात कराई जाएगी, क्या वो रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से उनको दिखाया जाएगा या जिस तरह से समर्थन की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सीनम ये भी लगता है कि चुनावी रणनीति है या चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि उन चुनावों में जो है वो समर्थन मांगने की भी जो बात है वो की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कार्यक्रम भी मोड़ ले सकता है। सीनम बिल्कुल, समर्थन के लिए ये किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज धीमान आपका तमाम जानकारी के लिए। और 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं जगत प्रकाश नड्डा। संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत ये दौरा है।